नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से सिटी वेपर स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर से। पंजाब में आज एनआईए की रेड, मोगा के धूरकोट, हुशियारपुर के डल्लेवाल और जालंधर के दौलतपुर में आतंकी कनेक्शन को लेकर जांच। पंजाब में आज राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने आतंकी कनेक्शन को लेकर कई शहरों में छापेमारी की है। पंजाब में मोगा के तहत आने वाले धूरकोट, निहाल सिंह वाला, होशियारपुर के गांव डल्लेवाल और जिला जालंधर के तहत आने वाले गांव दौलतपुर, किशनगढ़ में एनआईए ने आतंकी और विदेश में बैठे गैंगस्टरों से लेकर कनेक्शन को लेकर रेड की है। यूपी में करंट लगने से दो कांवड़ियों की दर्दनाक मौत, थाना प्रभारी सहित दो पुलिस कर्मियों पर गिरी गाज। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के मदनपुर क्षेत्र में म्यूजिक सिस्टम डीजे के बिजली के तार के संपर्क में आने से दो कांवड़ियों की मौत के मामले में संबंधित थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने मंगलवार को बताया कि मदनपुर कस्बे से बरहज थाना क्षेत्र के कपरवार में सरयू नदी से पानी भरने जाते समय विनोबापुरी के पास डीजे के हाई टेंशन लाइन के संपर्क में आने से सोमवार को दो कांवड़ियों की मौत के मामले में बरहज थाने के प्रभारी कपिल देव चौधरी और कपरवार पुलिस चौकी के प्रभारी सुशील कुमार सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। चंद्रयान 3 पृथ्वी की कक्षा छोड़कर चांद की तरफ बढ़ा। चंद्रयान 3 5 अगस्त का दिन है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने मंगलवार को चंद्रयान 3 अंतरिक्षयान को पृथ्वी की कक्षा से निकालकर सफलतापूर्वक चांद की कक्षा की तरफ रवाना किया। इसरो ने अपने बयान में कहा कि चंद्रयान 3 ने पृथ्वी की कक्षा का चक्कर पूरा कर लिया है और अब ये चांद की तरफ बढ़ रहा है। 5 अगस्त को चंद्रयान 3 अंतरिक्षयान चांद की कक्षा में प्रवेश करेगा। इसके बाद 16 अगस्त तक अंतरिक्षयान चांद की कक्षा में ही चक्कर लगाएगा। नौ में कर्फ्यू तो गुरुग्राम, फरीदाबाद और रेवाड़ी में धारा 144। दिल्ली, राजस्थान भी अलर्ट मोड पर। हरियाणा के नौ में सोमवार को विश्व हिंदू परिषद, मातृशक्ति, दुर्गा वाहिनी और बजरंग दल द्वारा निकाली गई ब्रज मंडल 84 को शोभा यात्रा के दौरान जमकर हंगामा हुआ। देखते ही देखते दो पक्ष आमने सामने आ गए, जमकर पथराव हुआ। नूह के नलहड़ स्थित नलेश्वर महादेव मंदिर से यात्रा शुरू होते ही नारेबाजी और पथराव होने लगा। बताया जा रहा है कि नूह मेवात में हुई हिंसा में 24 से ज्यादा लोग घायल हो गए, वहीं दो होमगार्ड समेत 3 लोगों की मौत की खबर है। लालू परिवार की संपत्ति कुर्क करने पर भड़की आरजेडी, कहा इंडिया के रास्ते में बाधा डालने के लिए की गई ये कार्यवाही। राष्ट्रीय जनता दल राजद ने पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार व अन्य के खिलाफ धन शोधन जांच के तहत कुछ संपत्तियां ईडी द्वारा कुर्क किए जाने के बाद केंद्र की आलोचना की और कहा कि ऐसी कार्रवाई विपक्षी गठबंधन इंडिया के रास्ते में बाधा खड़ी करने के लिए की गई है। राज्य सांसद और प्रवक्ता मनोज झा ने ईडी पर प्रसाद में उनके परिवार के खिलाफ जाँच के बारे में मीडिया में कहानियां प्लॉन्ट करने का भी आरोप लगाया। देश प्रदेश से जुड़ी हर बड़ी खबर पाने के लिए सब्सक्राइब कर हमारे YouTube चैनल सिटी वेपर।